हेलो एवरीवन, देखिए अब वर्क फंक्शन को पढ़ते हैं। देखो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे हमने अभी इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ा, क्या था वो, प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो वो हमारे अलग अलग प्रोसेस थे, डिफरेंट टाइप्स थे एमिशन के, थर्मियोनिक एमिशन थी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन थी, फील्ड एमिशन थी, सेकेंडरी एमिशन थी। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आता है, जैसे मान लो ये यहाँ पर आपके पास एक मेटल सरफेस है, अब यहाँ से क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसको एक सफिशियंट एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को एस्केप होने के लिए मेटल सर्फेस से, तो वो क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जो भी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, वो क्या होता है, हमारा वर्क फंक्शन होता है। इट इज डिनोटेड बाय क्या होता है, फाई नोट से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसके इसको जो मेजर करते हैं हम, वो किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना, जैसे आप मास को किस में करते हो मेजर, केजी में करते हो, तो ऐसे ही ये जो होता है आपके पास वर्क फंक्शन, ये किस में मेजर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, यानी कि क्या एक तरह से एनर्जी है आपके पास, समझ रहे हो। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल के इक्वल होता है। ठीक है, ये ईवी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल के इक्वल होता है, समझ रहे हो आप बात। ठीक है, अब ये जो वर्क फंक्शन है, यानी कि जो अब मिनिमम एनर्जी होगी वो जो रिक्वायर्ड होगी वो डिफरेंट होगी डिफरेंट मेटल्स के लिए, समझ रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही एनर्जी, बस इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो ये पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, नहीं, डिफरेंट मेटल्स होंगे तो डिफरेंट ही एनर्जी उनको चाहिएगी। जैसे हम यहाँ लिखते हैं इसमें, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल, दैट इज इट वेरीज फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। मतलब क्या हुआ इसका, कि नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है आपका ये जो फाइन नोट है, दैट इज इट वेरीज फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। अलग अलग मेटल के लिए ये वेरी करेगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, Na क्या होता है आपके पास, सोडियम। सोडियम के लिए, अगर सोडियम वाली मेटल है, उसके लिए हमें जो फाइन नोट चाहिए, यानी कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, वो कितनी चाहिए, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है। लेकिन यही चीज़ प्लेटिनम का अगर मेटल है, उसमें अगर हमें करना है इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी चाहिए, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिएगी हमें। कितनी बात समझ रहे, मतलब मिनिमम एनर्जी इतनी होगी, क्लियर है। यानी कि फाइन नोट आपको इसमें इतना चाहिए और सोडियम में इतना चाहिए। तो यानी कि मेटल के मटेरियल पे डिपेंड करता है, मेटल किस मटेरियल की बनी हुई है उस पे डिपेंड करेगा ये मिनिमम एनर्जी। तो यानी कि जो डिफरेंट मेटल्स होंगी उनमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए भी हमें डिफरेंट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया, वर्क फंक्शन पता चला आपको कि क्या है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।